आज से तकरीबन 11 साल पहले नोएडा में एक लड़की की हत्या हुई थी। उस लड़की का नाम था आरुषि तलवार। आरुषि की हत्या के बाद बहुत सारे सवाल उठे, सवाल कि आखिरकार हत्यारा कौन है और क्यों उसकी हत्या की गई। सीबीआई को भी केस सौंपा गया, लेकिन जो भी रिपोर्ट्स आई, जो भी जांच हुई, उसे लेकर बहुत सारे क्लैशेस आए। अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल कि क्या सुशांत ने खुदकुशी की या फिर मामला कुछ और है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की है। अगर की है तो वजह क्या है, और अगर नहीं की है तो फिर क्या उनकी हत्या की गई है। अब अगर हत्या की गई है या फिर उन्हें उकसाया गया है तो आखिरकार इसके पीछे कौन है। अब तक अगर हम जांच की बात करें तो दो एंगल को लेकर जांच की जा रही थी। पहला एंगल था नेपोटिज्म को लेकर, दूसरा एंगल था कि डिप्रेशन है इसलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली, तीसरा एंगल उसमें इंक्लूड हो गया कि रिया के कारण उन्होंने खुदकुशी की, यानी कि रिया ने उन्हें प्रताड़ित किया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो सबसे पहला सवाल था वो ये कि क्या सुशांत ने अपनी जान दी है, यानी कि खुदकुशी की है, और इसके पीछे जो वजह बताई गई वो ये थी कि बॉलीवुड में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा फिल्में नहीं मिल रही हैं, उन्हें अलग थलग कर दिया गया है। ऐसे भी आरोप लगने शुरू हुए। मुंबई पुलिस ने भी अपनी जांच के लिए यही दिशा तय की कि हाँ, हो सकता है कि नेपोटिज्म का शिकार सुशांत सिंह राजपूत हुए हों और इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया हो। अंकिता लोखंडे हो, उनके जो करीबी दोस्त हों और उनके जो रसोइये हैं, यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड थी और जिन पर अब आरोप लगे हैं कि उनके कारण ही सुशांत सिंह राजपूत ने ये कदम उठाया, इन सब से पूछताछ की गई, इन सब से बातचीत की गई। मकसद ये था ये जानना कि आखिरकार वजह क्या थी, असल वजह क्या थी जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा कदम उठाया। अब सवाल ये उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये नेपोटिज्म का एंगल कहाँ से आया। देखिए, कंगना रनौत, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, उसमें उन्होंने बोला कि सुशांत की मौत एक सामान्य मौत रही है, यानी कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की है, उन्हें मारा गया है, उनकी एक तरह से हत्या की गई है। इसके लिए उन्होंने आरोप ये भी लगाए कि बॉलीवुड में उन्हें अलग थलग कर दिया गया था। कुछ पत्रकारों पर भी उन्होंने आरोप लगाए थे कि कुछ पत्रकार हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में गलत लिखते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ बड़े फिल्मी इस इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने कहा है, इसलिए पत्रकार कुछ ऐसा भी कर रहे हैं। इसके बाद एक और चेहरा सामने आता है, वो है शेखर सुमन। उन्होंने आरोप लगाए कि बॉलीवुड में एक गैंग चल रहा है, एक ऐसा गैंग जो छोटे शहरों से आने वाले लोगों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहता है, बल्कि जो भाई भतीजावाद है उसे बढ़ावा दे रहा है। इस तरह के तमाम आरोप लग ही रहे थे कि मामले में एक जबरदस्त टर्न तब आया जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की जो गर्लफ्रेंड थी, उन पर आरोप लगाए कि इन सब की जिम्मेदार जो है वो रिया है, क्योंकि रिया ने ही सुशांत को सब चीज से अलग कर दिया था, उन्हें एक तरह से परिवार से भी काट दिया था। रिया और सुशांत की मुलाकात कब हुई थी, कैसे वो दोनों एक साथ आए, कैसे बातचीत हुई, कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, हम आपको बताते हैं। दरअसल साल 2013 में सुशांत सिंह राजपूत अपनी फिल्म को लेकर काम कर रहे थे। वो फिल्म थी परिणीति चोपड़ा के साथ शुद्ध देसी रोमांस। उसी वक्त रिया चक्रवर्ती भी एक फिल्म में काम कर रही थी, उस फिल्म का नाम था मेरे डैड की मारुति। दोनों की शूटिंग के दौरान ही, दोनों फिल्में अलग अलग जगह शूट हो रही थी, लेकिन जो सेट्स थे वो करीब आसपास ही थे, लिहाजा उन दोनों की मुलाकात हुई। उसके बाद मुलाकात दोस्ती में बदली। उस समय हालांकि सुशांत सिंह राजपूत अंकिता लोखंडे के साथ रिलेशनशिप में थे। अब बात आती है, जब अंकिता से सुशांत के रिश्ते बिगड़े, तब रिया से इनकी जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ी, दोनों काफ़ी करीब आ गए थे, यहाँ तक कि दोनों साथ रहने लगे। लेकिन मामले में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने यह आरोप लगाए कि रिया ने एक तरह से सुशांत को पूरी तरह से कैद कर लिया था। सुशांत को क्या करना है, क्या नहीं करना है, सुशांत को कौन सी फिल्में करनी है, कौन सी नहीं करनी है, सुशांत को किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, ये सब कुछ रिया तय करती थी। ये आरोप सुशांत सिंह राजपूत के पिता की ओर से रिया चक्रवर्ती पर लगाए गए। लेकिन यहां तक का भी कह दिया गया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के पैसे भी ऐठे हैं, उनके पैसों को जो गोलमाल है वो रिया ने किया है, और सिर्फ रिया नहीं, आरोप कहीं ना कहीं रिया की फैमिली पर भी लगाए गए।
कुल मिलाकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता की अगर हम उनके पक्ष से हम बात करें तो उनके मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत सिंह राजपूत को एक तरह से मजबूर कर दिया खुदकुशी करने के लिए। अब पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। एक तरफ है चिराग पासवान, पप्पू यादव, तो सुशांत सिंह राजपूत के जो करीबी दोस्त हैं, यहां तक कि रिया चक्रवर्ती जिन पर आरोप लगे हैं, ये सब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जांच सही चल रही है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है सीबीआई जांच की, मुंबई पुलिस सक्षम है इस केस को, जो भी इस केस में छिपे राज हैं उसे सामने लाने के लिए। अब बात यह आती है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच गया है। सुशांत के पिता ने जब आरोप लगाए तो रिया ने एक अर्जी भी दी कि मामला केस जो है वो पटना में ना चल के मुंबई ट्रांसफ़र हो। उसके बाद अब रिया की अर्जी के बाद सुशांत के पिता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दे दी गई है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है। एक तरफ है महाराष्ट्र सरकार जिन्होंने कह दिया सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है, तो दूसरे तरफ है वो लोग जो मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। अब सीबीआई जांच कैसे होगी ये भी एक सवाल है। या तो सुप्रीम कोर्ट कह दे कि हाँ ठीक है ये मामला थोड़ा अलग है, इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, तब सीबीआई को केस सौंपा जाएगा और सीबीआई फिर इस पूरे मामले की जांच करेगी। दूसरा एंगल ये भी है कि अगर बिहार की सरकार जो केस पटना में दर्ज हुआ है, यानी कि जो एफआईआर पटना में दर्ज कराई गई है, उस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दे तो भी सीबीआई जांच हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर मुंबई महाराष्ट्र सरकार ने यह कह दिया कि नहीं सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है तो नहीं होगी, क्योंकि एफआईआर पटना में है और क्योंकि उनके वकील की ओर से ये भी कहा गया है कि सारी चीज़ें शुरुआत एक तरह से पटना से हुई है तो इसीलिए पटना में केस दर्ज कराया गया है। तो अगर बिहार सरकार ने केस ट्रांसफ़र कर दिया सीबीआई को तो भी सीबीआई जांच हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सीबीआई जांच के लिए दो रास्ते हैं, पहला सुप्रीम कोर्ट से जो निकलता है, दूसरा बिहार सरकार अगर चाहे तो। देखिए, तो कुल मिलाकर सुशांत की मौत को 1.5 महीने का वक्त हो चुका है और इन 1.5 महीने में केस जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने दिनों से जो कैंपेन चल रहा था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है और नेपोटिज्म के कारण ही सुशांत सिंह राजपूत ने ये कदम उठाया, क्या वो कैंपेन गलत था? ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगे थे। अगर वो चीज़ सही है तो फिर क्या रिया पर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है? या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही चीज़ गलत हो और वाकई में सुशांत डिप्रेशन में थे, कोई परेशानी उन्हें दूसरी परेशानी रही होगी जो कि नेपोटिज्म से हटकर है और रिया से हटकर है और इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। कुल मिलाकर जांच का विषय है, सीबीआई जांच हो सकती है, इसके लिए भी दो रास्ते बने हुए हैं। अगर जांच होती है, सही जांच होती है, तब जाकर शायद सुशांत की मौत का जो असली वजह जो है सुशांत की मौत की, वो सबके सामने आ सकती है।